और राजधानी लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म दिवस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शताब्दी हॉस्पिटल में आयोजित रक्तदान शिविर पहुंची। बता दें कि यह रक्तदान शिविर स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्म दिवस के मौके पर लगाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोजित कंबल वितरण के कार्यक्रम में पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नए साल में बदलाव दिखाई देगा। जो लोग 2014 में आए थे, वह 2024 में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी दलों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और यह भगवान का कार्यक्रम है। भगवान जिसको बुलाएंगे वह दौड़ा चलाएगा। रक्तदान शिविर लगा करके जो वॉलंटियर्स हैं उनसे हर वर्ष की तरह इस बार फिर एक बार रक्तदान चला रहे हैं। मंच पर बैठी इस विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रमिका चंद्र बाबू सर, उनका भी मैं आभारी हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित रामोतार सैनी जी, आर एस कुशवाहा जी, बलराम मौर्य जी, सजेकर जी, बहुत सारे हमारी पार्टी से जुड़े लोग और अखिल भारतीय कुसुमा सभा से महासभा से जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सबसे पहले इन रक्तदाता साथियों के हौसले अफजाई के लिए उपस्थित हुए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ गांधी वार्ड में आज हजारों की तादाद में एकत्रित मरीजों के तीमारदारों को भी कंबल वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। मैं दोनों कार्यक्रमों के अपने समर्थक अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। इसलिए भी शुभकामना देता हूं कि उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतिहास में अब तक सर्वाधिक रक्तदान करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर तुलिका